हेलो एवरीवन। तो देखिए मैं कहाँ हूँ आज, मैं घर आ गई हूँ। 4 साढ़े 4 बजे शिमला से निकली थी, तो मेरी फ्रेंड आ रही थी घर, तो मैं उसके साथ ही आ गई। तो रात को 11 बजे मैं घर पहुँच गई थी। और ये है फिर अगला दिन, और अगले दिन आज मैं जा रही हूँ घास लेने। ये देखिए घर पहुँचते ही काम स्टार्ट हो गया। ये बबली यहाँ पर अपना दराट तेज कर रही है ताकि हम जल्दी जल्दी स्पीड में घास काटें। हाँ तो चलिए अब चलते हैं, काफ़ी दूर है चलने के लिए। अब मैं आपको मिलूंगी खेत में। अब हम खेत पहुंच गए हैं, यहाँ पर ये हम काटेंगे यहाँ से घास। प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, जब से घर से निकले थे तब से प्यास लग रही है। बीच में रास्ते में कहीं भी पानी नहीं मिला। अब हम काट लेते हैं, उसके बाद जब घर जाने वाले होंगे तो फिर मैं थोड़ा सा वीडियो बनाऊँगी बस। घास तो हमने काट लिया है, काट के फ्री हो गए हैं। ये इसको हम बोलते हैं बॉन, बस पता नहीं क्या बोलते होंगे हिंदी में, कुछ बबले ही वह बान बोलो ना, बान बान ही होता है ये। और ये हमने काट लिया है यहाँ पे, यहाँ बबली नीचे से जा रही है। अब ये नीचे वो जड़ा डालेगी और मैं यहाँ पे ऊपर डालूँगी। ये बबली को भी अब प्यास लग रही है, मेरे को तो वैसे भी कितनी देर से प्यास लग रही थी। अब बोझा डाल के देखते हैं, अगर रह गई थोड़ी कसर तो काटेंगे, और वरना हम अब घर निकलेंगे। भूख प्यास भी बढ़ गई है। चलो अब बोझा डाल देते हैं। ये मेरा बोझा ही मैंने डाल दिया है, और नीचे बबली का है। अब मैं उठाऊंगी, बबली मेरे को धक्का देगी, धक्का देगी मीन्स आगे को करेगी फिर। और ये मैंने बोझा डाला है, और इसका वेट है कम से कम 100 किलो। 100 किलो तो नहीं होना, नहीं तो ज़्यादा होता है। दबना ट्रगर का सा ना, ऊपर से भूख प्यास सब कुछ लग रहा है। अब क्या करें, घर जाके ही मिलेगा सब कुछ खाना पीना तो, मगर इतना भारी हो गया है कि कैसे चले। तेरा भी हो जाना घर का बहुत ज़्यादा चलता है। ये देखो उस साइड नीचे, उस साइड वहाँ पर नीचे हमारा घर है। ये बबली अब उठने की कोशिश करेगी, मैं इसको पीछे से थोड़ा पीछे नहीं आ गया, आगे नहीं देने मेरा पीछे आया रुका पीछे ने दे तू पीछे ने डाके है मैं तो जंबो नहीं आ गई नहीं। चल अभी से भी किसी नहीं पीना। ये अब हम जा रहे हैं बड़खाबड़ रास्तों से नीचे, जब सड़क में पहुंचेंगे तब नीचे सड़क में पहुंच के तब थोड़ा ठीक होगा। यहाँ से तो उतरने के लिए ना रास्ता है ना कुछ, जहाँ मर्जी से खुद रास्ता बनाना पड़ेगा। चलो तो जी अब मैं घर पहुंच गई हूँ, और मेरी हालत ख़राब हो गई है, और अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद ढेर सारे कपड़े धोने को है, फिर कपड़े धोऊंगी, फिर नहाने के लिए अब हिम्मत नहीं बची है कि मैं नहाऊं और कपड़े धोऊं। थोड़ी देर रेस्ट करके शायद थोड़ी एनर्जी आ जाए, उसके बाद फिर अगला काम स्टार्ट करती हूँ। ये दोनों चिक्कू अब मेरे को देख रही है, ये छोटे वाली चिक्कू भी देख रही है, ये रेस्ट कर रही है। चिक्कू चिक्कू अब इन चुक्कों को पानी पिलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं इनको ये वाला घास खिलाऊंगी जो मैंने लाया है। तो जी मैं नहा के खाना खुना खा के कपड़े धो के फ्री हो गई हूँ। अब मेरे पास है वीडियो एडिट करने के लिए, 2 वीडियो एडिट करने के लिए हैं, तो मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।